नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लक्षद्वीप के सांसद फैजल से। वो इस समय दिल्ली आए हुए हैं, उन्होंने मुलाकात की देश के गृह मंत्री अमित शाह से। इस समय लक्षद्वीप में भीषण परेशानी का दौर चल रहा है। वहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उस फैसले से लक्षद्वीप की जनता बहुत हाहाकार कर रही है, परेशान है और एक स्वर में बोल रही है कि प्रफुल्ल के पटेल को वापस बुलाओ, उनके द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को रद्द करो। और इसको लेकर हमने देखा कि केरल विधानसभा ने भी लक्षद्वीप की जनता के पक्ष में फैसला लिया, एक ऐतिहासिक काम किया, विधानसभा लक्षद्वीप की जनता के पक्ष में खड़ी हुई। सवाल यह है कि जो मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, उसमें जिस तरह का आश्वासन दिया गया है, वह आश्वासन कितना जमीन पर टिकेगा, कितना उस पर अमल करेगी मोदी सरकार, इसे हम जानेंगे वहां के इकलौते सांसद फैजल के मुख से। हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों आप यहां आए, और उसके बाद हमें बताइएगा कि मुलाकात कैसे रही, क्योंकि लक्षद्वीप पे हमने स्टोरी भी की है, सारी दुनिया जानती है कि बहुत लोग परेशान हैं जिस तरह से वहां प्रफुल्ल के पटेल ने जो चेंजेस लाए हैं, जिस तरह से बीज बैन किया, जिस तरह से लैंड को लेकर पूरा कब्जा करने की तैयारी है, जिस तरह से दो बच्चों को की एक पंचायत में लेकर आए, ये सारा जो चल रहा है लक्षद्वीप में, यहाँ से आपको क्या उम्मीद थी, क्यों आए कि यहाँ? जो आने का मकसद ये था कि जो प्रफुल्ल पोड़ा पटेल वहाँ जो भी कानून लाने की कोशिश की, वो सब ड्राफ्ट स्टेज पे थे, यानी कि होम मिनिस्ट्री ही इसके ऊपर कुछ डिसीजन अगर ले पाएगा तो होम मिनिस्ट्री ही लेना चाहिए। तो मेरी एमपी होने के नाते वहाँ के लोगों की विश्वास को लेकर होम मिनिस्टर को मिलना ज़रूरी था इस बातों को लेकर, क्योंकि जो भी ड्राफ्ट उन्होंने बनाया वो लोगों के हित के साथ नहीं हुआ था, वहाँ की डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ नहीं हुआ था, वहाँ की पंचायत के साथ नहीं हुआ था। और ये जब सीधे जो हुआ है, वहाँ पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड में लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी भी है, और जो भी ये ड्राफ्ट बनाया है वो बीच में बनाया है, लेकिन वहाँ का वर्नैकुलर लैंग्वेज जो है वो मलयालम, तो मलयालम समझना और ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये बिल ड्राफ्ट लाना और उसके ऊपर लोगों को अपने टाइम लेकर जो इनके खिलाफ जो गरज करना है उसके लिए टाइम भी बहुत कम दिया। सबसे बड़ा डर और सबसे ज्यादा खतरनाक जो चेंजेस लाइंस में आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा खतरनाक ये है, उन्होंने जो LDAR एक्टिविटी डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, उसमें सबसे खतरनाक ये चीज जो लोगों के मन में खौफ है वो है जिनकी जो छोटा मोटा जमीन इनके पास बचे हुए हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर छीना जाने की वो जो अथॉरिटी इनको लेते हैं उसके ऊपर ही ज़्यादा लोगों की घर खौफ, उसके ऊपर था, उसके ऊपर ही हमारे प्रोटेस्ट ज़्यादा हुए। आप यहाँ पर उस एजेंडे के खिलाफ गुहार लगाने आए गृह मंत्री से, तो क्या आपके दिमाग में है कि गृह मंत्री को पता नहीं था, क्योंकि वह तो डायरेक्टली बीजेपी के ही आदमी रहे हैं, प्रफुल्ल के पटेल बहुत क्लोज रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो क्या आपको ये लगता है कि जो चेंजेस वो लाए हैं उसके बारे में सेंटर को पता नहीं था? बिल्कुल, ये मैं बात थोड़ा सीरियसली और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि लक्षद्वीप की एक जगह है कि केंद्र शासित प्रदेश, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ रहते हैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी फ़ायदा लोगों को मिल सके, वो MP के नाते खाली एकमात्र MP है लक्षद्वीप का, जो लोगों की उम्मीद उसमें जुड़े हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट यहाँ रहते हैं उस गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा जितना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ लेके जाएगा उसके लिए एक टैंडम बना के रखना पड़ता है। इसके मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को मैं मानता हूँ, जैसे आपने पूछा इसकी एक सेंट्रल की कुछ मतलब मिले हुए एक ऐसा एक्टिविटी नहीं है क्या माता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये सेंट्रल की कोई लेन है भी, बिकॉज इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये दमन जू दादा अगर हवेली में भी काम किया है, वहाँ पर जो हरकत उन्होंने की है वहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं था, वहाँ पे कोई अजंडा नहीं, मतलब उसके हिसाब से नहीं था, जो वहाँ उन्होंने लागू किया उसको ज़रा कॉपी करने की कोशिश कर रहा, वो ये समझने के भी नाकामयाब रहा कि दमन जो दादानगर हवेली मेनलैंड की पार्ट है, वो ज़मीन मेनलैंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आते हैं अजय लकोड़ी में छोटा टापू है, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट जैसे कि माइनिंग और रेलवे 15 मीटर रोड, वो आप जाएंगे
ये सब चीज़ें जो उन्होंने बनाया वहाँ के लोगों को बिना पूछताछ के वहाँ की सलाह मशवरे के बिना उन्होंने जो बनाया, तो इसलिए सेंटर के साथ कोई लेन देन नहीं। ये मान लो कि पिछले पाँच साल में, पिछले चार साल में ये गवर्नमेंट था, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर आया, फरूख खान साहब अभी जो जम्मू कश्मीर में एडवाइजर के गवर्नर है, इसके बाद जो दिनेश्वर शर्मा जी आप हमारे बीच में नहीं, वो उन्होंने सब लोग, वो सब लोग जो आया है उन्होंने वहाँ की जो लोगों से मिलकर वहाँ के लोगों की रिवाज समझ कर वहाँ की डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बरकरार रखकर काम किया है। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो मैं ये मान रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट किसी में नहीं हो, ये मान रहा हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज तो मुझे अभी मैं होम मिनिस्टर से मिला हूँ, होम मिनिस्टर से मुझे एश्योरेंस मिला है जो भी ड्राफ्ट इसी स्टेज पर बनाया है उस पर अमल नहीं होगा। उसमें इतना उन्होंने ये बताया कि ये पूरी लोगों की राय लेकर जो भी कानून लक्षद्वीप की हित में नहीं चाहिए उसको ड्रॉप किया जाएगा। हम लोग जिस तरह से दिल्ली में देखते हैं अपने फैसलों को वापस नहीं लेने के लिए बहुत मुश्किल है, तो आपकी जो मुलाकात थी गृह मंत्री से, आपको क्या इम्प्रेशंस मिले और क्या उन्होंने कुछ लिखित में या टाइम बाउंड भरोसा दिया? इन्होंने इसमें एक बात समझना चाहती है कि जब जो गुंडा एक्ट, यानी कि ये चार जो कंट्रोवर्शियल एक्ट LDR KR को छोड़कर, ये सब चीज़ें दिसंबर के महीने में ड्राफ्ट नोटिफिकेट आ चुके थे। गुंडा एक्ट भी दिसंबर 1st, उसका फर्स्ट रिसिप्ट था। 5 दिसंबर को तो आए वो, हाँ 5 दिसंबर को तो आए वो, लक्षद्वीप रिसिप्ट किया 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर या मेरे ख्याल में 20 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन निकला पासा एक्ट का। उसमें पूरी ड्राफ्ट को मतलब जितने लोगों उसको रेस्पॉन्ड किया सबको इतनी मालूम नहीं पड़ा, जो ड्राफ्ट ऑलरेडी अभी होम मिनिस्ट्री में आ चुके हैं इतने महीने तक, अभी 5 महीना हो गया है, होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया है, उसको जारी नहीं किया है। तो उसमें एक बात जाहिर होता है, जो अथॉरिटी होम मिनिस्टर ने दिया है उसको एक तरफ से वो कॉन्फिडेंस, वो उन्होंने खुद बताया मुझे, मैं होम मिनिस्टर के नाते एक वहाँ से MP को मैं वचन देता हूँ कि जो भी ड्राफ्ट दिया हुआ है यहाँ उसकी पूरी री इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पूरी लोगों की राय लेंगे और लोगों के हित में जो होगा वो पालन किया जाएगा, लक्षद्वीप की सिनारियों में जो नहीं चाहिए उसको तो वापस किया जाएगा। ये तो एश्योरिटी दिया है, अगर इस एश्योरिटी को उन्होंने वापस मतलब अमल नहीं करेगा तो दोबारा हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। सेव लक्षद्वीप कैंपेन, ये कैंपेन कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे मतलब क्या क्या कैटलिस्ट रहा? बता रहे हैं कि शुरुआत दिसंबर से हो गई लेकिन सबसे बड़ा ये मुद्दा बना अभी आके पैंडेमिक। मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ देता हूँ। जब से प्रफुल्ल पोड़ा पटेल लक्षद्वीप आया तो उन्होंने ये पीस ऑफ रजिस्ट्रेशन लाने की कोशिश की, तब से लेकर इसके ऊपर जो प्रोटेस्ट हमारा था वो ऑब्जर्वेशन फाइलिंग ऑब्जेक्शन की तरफ से भी और पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा मैंने उठाया, पार्लियामेंट में उठाया जी, जी पार्लियामेंट में ये मैंने बात रखा। तब तक ये LDR नहीं आया था, LDR ये जब लास्ट में आया तभी इनको नहीं, जो भी मतलब जो गुंडा एक्ट हो या एनिमल प्रिजर्वेशन की तरफ से बीफ बैन हो, लिकर परमिशन हो या फिर पंचायत की रेगुलेशन हो, इन चारों को लेकर मैंने पार्लियामेंट में 0 ओवर में बात कर चुका हूँ। उसके साथ साथ फिर कोविड की सिचुएशन बढ़ते रहे तो फिर उन्होंने लास्ट टाइम जब आया ये LDR निकाला तब हमें मालूम पड़ा कि इसके ऊपर जरूर प्रोटेस्ट करना है, तो हमने लिखित रूप में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम इसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट चेयरमैन को हमने परमिशन मांगी तो उन्होंने परमिशन इनकार किया, तो बोले कोविड की प्रोटोकॉल चल रहा है तभी आपको ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी 13 लोग अरेस्ट भी हुए हैं बिल्कुल, तो उसी में क्या किया फिर हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएशन का लक्षद्वीप स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिसके मतलब जो होता है घर में बैठ के प्रोटेस्ट करना, यानी कि बीट पॉलिटिकल समर उसको मलयालम में वो बोलते, तो उसको सेव लक्षद्वीप की टैग दिया, ट्विटर में लगाया, तो इस सब मुद्दे को केरला की पूरी मीडिया, पहले केरला की फिल्म एक्टर्स, केरला का पॉलिटिशियंस, सब जगह इसको बहुत बड़ा साथ देने के बाद तो इसको लोगों समझने शुरू हो गया, तो इसको वायरल हो गया। तो आप आज मुझे इंटरव्यू कर रहा है लक्षद्वीप के बारे में, तो इसकी मतलब ये था हमें, तो हम वी आर सक्सेसफुल कि हम इस मुद्दे को लोगों लोग की दुनिया के सामने लाने में हम कामयाब हुए, क्योंकि हम वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया था, तो इसकी वजह से हमने सोशल प्लेटफॉर्म दिया, तो उसकी वजह से आज पूरी लोग आप मुझे इंटरव्यू यहाँ भी कर रहा है, तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोटेस्ट लोगों के समझ में आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मेरे संज्ञान लिया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या करते हैं हम देखते हैं,
तो वो एश्योरिटी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, अगर नहीं निभाते तो फिर सर्टनली हमने प्रोटेस्ट करेंगे और इसकी लीगल ऑप्शन भी हम देखेंगे। अभी लक्षद्वीप के पक्ष में केरल विधानसभा आई, उसने प्रस्ताव पारित किया, क्या आपको लगता है कुछ और विधानसभाएं भी आएंगी और केरल का समर्थन आपके लिए कितना मायने रखता है? बिल्कुल, केरल एक ऐसी जगह है कि लक्षद्वीप से इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, जो केरल की लोग कितनी करीब है रखती है। हमारी हर समस्या यानी कि जो सेहत का मामला हो या एजुकेशन की मामला हो, सब के लिए हम केरला पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। केरला के हर यूनिवर्सिटी के अंदर लक्षद्वीप की जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सुपर न्यूमररी सीट भी दिया गया है। इसके साथ मतलब सदियों से ये रिश्ता चलते आ रहा है, तो वो एक विधानसभा में एक मोशन पास करना लक्षद्वीप के लिए, ये बड़ी गर्व की बात है लक्षद्वीप के बारे में, यानी कि ये इतिहास बन चुके हैं। क्योंकि नज़दीक केरला अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी दोनों मिलाकर अनअपोज्ड होकर एक मोशन लक्षद्वीप के लिए पास करते हैं, तो उसमें हमें एक ताकत मिल जाता है कि हमारे पास हमारे पड़ोसन हैं, जो भी दिक्कत आएंगी केरला हमारे नज़दीक है, भले मतलब जो भी मतलब हमारे लक्षद्वीप का बीजेपी आपके साथ है। बिल्कुल, वही समझने की बात है, लक्षद्वीप की बीजेपी भी इस प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को लीडरशिप लिख चुके हैं, उनकी एक डेलीगेशन आके मैं मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, मुझे जो वचन दिया है सिक्योरिटी दिया है वही वचन बीजेपी की जो डेलीगेशन आया था उनको भी, बीजेपी को लग रहा है कि जमीन नहीं रहेगी उनकी बीजेपी अगर ये किया तो लक्षद्वीप में आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, यही बता रहा ना, बीजेपी भी यही डर रहा है कि जैसे कि प्रफुल्ल कोड़ा पटेल अपनी मनमानी जैसी चीज कम करने जा रहा है, वो बीजेपी डरने लगेगी। जी, शुक्रिया न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए। थैंक यू।